हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस. आई एम आमिर फ्रॉम सिलचर. आज मैं यहाँ पे ब्यूटी टिप्स उसके लिए मैं यहाँ पे लाइव में आया. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू शोमन, डॉक्टर शोमन भारतीय दा, एंड थैंक यू सो मच. आज मैं जो यहाँ पे व्यतिक्रम का पेज में फर्स्ट लाइव में आया, थैंक यू सो मच ऑल व्यतिक्रम मेम्बर्स. आज मुझे ये मौका दिया कि आज मैं यहाँ पे लाइव में आप लोगों के साथ में कनेक्ट हो जाऊँ. सो आई थिंक आप लोग सब ठीक ही हो. आज यहाँ पे अगर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप लोग लाइव में कोई मुझे ज्वाइन किया या फिर कोई मुझे देख रहा है, सो आज जबकि मैं ब्यूटी कनेक्टेड लाइन से मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लाइक हेयर का हो या फिर स्किन का हो, आप लोग मुझे पूछ सकते हो. सो अब मुझे समझ में आएगा कि आप लोग लाइव में हो कि नहीं. कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यूज हो, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो. हाय आकाश, थैंक यू सो मच. ओके फाइन, और थोड़ा सा कनेक्ट हो जाए देन मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक. और थोड़ा सा ज्वाइन होने दीजिए, उसके बाद मैं आज एक्चुअली आज मैं पहले भी लाइव में आया, लेकिन आज मैं बंगाली ना बोल के हिंदी में बोल रहा हूँ, बिकॉज ये लाइक सबको बंगाली समझ में नहीं आएगा, जबकि मैं आप मतलब व्यतिक्रम ग्रुप से कर रहा हूँ. सो आज मैं हिंदी में मतलब टॉपिक लेके बैठा हूँ. कोई अगर मेरे से गलती होता है तो सो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट. उतना मेरा प्रोनाउंसिएशन क्लीन ना भी हो सकता है, क्योंकि बंगाली लोगों का हिंदी उतना क्लियर शायद से नहीं होता है, सुना है मैंने. और थोड़ा सा ज्वाइन होने दीजिए, देन मैं उसके बाद आप लोग का मतलब ब्यूटी एंड हेयर लेके जितना भी टॉपिक होता है उसको लेके मैं आज यहाँ पे आप लोग के साथ बैठा हूँ. अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है देन आप लोग मुझे बोल सकते हो उस कमेंट पे, या फिर इनबॉक्स में भी आके आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो अगर आपका स्किन में या फिर हेयर में कुछ प्रॉब्लम होता है. क्योंकि हम लोग घर में बैठे हैं, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग का स्किन एंड हेयर एकदम फाइन रहेगा. उसको कैसे हम लोग घर पे मेंटेन कर सकते हैं, उसको लेके आज मैं यहाँ पे हूँ. सो प्लीज़ आप लोग मुझे आप बोल सकते हो, आप लोग मुझे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो कि आप लोगों को कैसे मेंटेन करना है यहाँ पे. जैसे कि हर किसी को मैं बोल रहा हूँ, बॉयज़ गर्ल्स जेंट्स लेडीज़ सबको मैं बोल रहा हूँ. ऐसा नहीं कि मतलब लाइक सिर्फ गर्ल्स लोगों को अपना मेंटेन करना है ऐसा, मतलब यहाँ पे ब्यूटी ऐसा एक चीज़ होता है जो जेंट्स हो लेडीज हो हर किसी का मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्यूटी. ब्यूटी मतलब ब्यूटी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, जो मतलब हम लोग अपने आप को अगर शीशे में अच्छा देखेंगे तो पूरा दुनिया ही अच्छा रहेगा, पूरा ये दुनिया अच्छा दिखेगा हम लोग को. सो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होता है स्किन का एंड हेयर का, और कुछ मेकअप का भी अगर आप लोगों को कुछ टिप्स चाहिए. अभी तो फ़िलहाल ये COVID-19 लॉकडाउन के वजह से हर कोई घर में बैठे, वो तो बाहर कोई नहीं निकलेगा. फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी मेकअप का भी कोई प्रोडक्ट नॉलेज एंड टिप्स चाहिए, सो मुझे पूछ सकते हो आप लोग. मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ. और अगर कुछ कोई भी आप लोग लाइव को मतलब मिस कर दिया या फिर नेट इशू के वजह से बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं भी हो पा रहा है, आज सुबह से वैसे नेट का भी बहुत प्रॉब्लम है, सो आप लोग मुझे पिन कर सकते हो, आप लोग मुझे नॉक कर सकते हो मैसेंजर में, तो इनबॉक्स में कर सकते हो, सो मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ. गुड आफ्टरनून आकाश, गुड आफ्टरनून. আকাশ আমার ভিডিওটা ঠিক আছে তো, মানে স্ট্রেট হয়েছে তো? অনেক সময় কি হয় আমার ফেসটা অনেকটা চলে যায় না, কি একটা প্রবলেম হয় প্লিজ আমাকে অল্প জানাবে তো.
सो गाइस, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे व्यतिक्रम में फर्स्ट टाइम लाइव आया. सो थैंक यू सो मच टू ऑल मेंबर ऑफ व्यतिक्रम ग्रुप एंड स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर शोमन भारतिया, आज मुझे यहाँ पे लाइव पे आने के लिए मुझे बोला. सो थैंक्स अगेन कि मैं आज हूँ यहाँ पे लाइव में आप लोगों के साथ. तो आप लोगों को अगर कुछ भी इश्यूज होता है स्किन का एंड हेयर का, देन आप लोग मुझे बोल सकते हो. अभी जैसे हम लोगों का समर सीजन भी आ गया, सो स्किन का बहुत कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है. डैंड्रफ का तो उतना ना भी होने से भी चले, बट स्किन का हो सकता है. और मेन थिंग इज, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग कुछ और लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, देन मैं आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि आप लोगों को कैसे घर पर मेंटेन करना है. आप सबसे बेस्ट होगा कि आप लोग मुझे कुछ क्वेश्चन करो, देन मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ. आप लोग मुझे कुछ पूछ सकते हो, देन मैं आप लोगों को मैं बोल सकता हूँ, उसका क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ. कोई टिप्स चाहिए तो आपका स्किन का है ना हेयर का, सो यू कैन आस्क मी. हाय शंपा, हाउ आर यू, कैमोन आचिश. स्पेशली स्पेशली आज मैं यहाँ पे लेडीज लोगों को बोलना चाहता हूँ. अभी लॉकडाउन का जो एक माहौल है जिसमें हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे, लेकिन हम लोग घर से ना निकल के भी हम लोग घर पे अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं. जैसे कि अभी बहुत टाइम हो चुका है हम लोग का, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ हो चुका है हम लोग घर पे बैठे हैं. सो हम लोगों को बाहर से कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स भी हम लोगों के पास स्टॉक में उतना नहीं है और ख़त्म होने से ला भी नहीं पा रहे, हम लोग उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे. बट मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि आप लोग घर पे अपना स्किन एंड हेयर को आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हो. स्किन एंड हेयर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है एक ह्यूमन बॉडी के लिए. अगर ये दो चीज़ अच्छा रहेगा, देन आप अगर अपने आप को मिरर में ब्यूटीफुल देखोगे तो पूरा दुनिया ही आप लोगों के लिए ब्यूटीफुल रहेगा. सो प्लीज़ आप अपना केयर कीजिए. इस समर में अभी बहुत सारा, जैसे स्किन के लिए मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ, मैं फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ आपका स्किन का. फर्स्ट स्टार्ट मैं करता हूँ थ्रेडिंग का. अगर थ्रेड, अभी बहुत सारे लेडीज लोग का मेरे पास कॉल आ रहा है या फिर मतलब मुझे पूछ रहे कि हम लोग सेल्फ थ्रेडिंग कैसे करें. तो सेल्फ थ्रेडिंग का मैं बोल सकता हूँ कि आप लोग पहले, जैसे कि जो मतलब रेगुलर थ्रेडिंग कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए मैं बोल सकता हूँ, जो आप लोगों का एक शेप होता है उसका जो आउटलाइन होता है, आप लोगों के घर में ऑब्वियसली ट्वीज़र होगा. ट्वीज़र तो आप लोग जानते हो ना, जो इतना बड़ा स्टील का होता है ना, प्लाकर कहते हैं उसको, हम लोग प्लाकर भी कहते हैं, ट्वीज़र भी कहते हैं उसको. आप लोग जो आपका शेप है, ओरिजिनल वाला शेप है, उससे आप लोग उसको रिमूव कर सकते हो. कुछ दिन के लिए आप काम चलाने वाला लुक्स रख सकते हो. सबसे इम्पॉर्टेंट एक इंसान का, एक लेडीज़ का मतलब पूरा फेस का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है आईब्रो. आईब्रो अगर अच्छा ना दिखे तो पूरा फेस बिगड़ जाता है. सो प्लीज़ आप लोग प्लकर यूज़ कर सकते हो. तो घर में बैठ के आप लोग प्लकर से आउटलाइन का जो शेप होता है उसको आप लोग रिमूव कर सकते हो. तो अपने आप को थोड़ा सा गुड लुकिंग आप लोग देख सकते हो. तो ये हो गया आपका थ्रेडिंग का. और एक चीज़ है, अभी जैसे समर आ गया तो समर में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होते हैं, हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगा सकते या फिर हम लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, या फिर बहुत सारे लोगों का पिंपल का भी प्रॉब्लम है. आप लोगों का जितना सारा प्रॉब्लम होता है, देन आप लोग मुझे बोल सकते हो, आप लोग मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो. मैं कुछ भी प्रॉब्लम हो, देन मैं आप लोगों के पास मतलब सोल्यूशन दे सकता हूँ. और एक चीज़ है कि इस समर सीज़न में सेंसिटिव स्किन को लेके बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं, निकलने के बाद ही क्या होता है ना, हम लोग का ये चीक जो पूरा एकदम रेड हो जाता है, वो लेके बहुत सारा प्रॉब्लम में रहते हैं. दीपशिका गोगोई, थैंक. हाय दीपशिका गोगोई, क्या क्वेश्चन है आप लोगों का. हाय, आई हैव स्मॉल स्पॉट्स ऑफ माई फेस, डोंट नो इट वॉज पिगमेंटेशन और वॉट, प्लीज रिकमेंड रेमेडीज. ओके फाइन, आप एक काम कर सकते हो, जैसे कि ब्लैक स्पॉट, स्मॉल स्पॉट आप लोग बोल रहे हो ना. अच्छा, ब्लैक टाइप का स्पॉट होने से या फिर पिगमेंटेशन होगा जो फैकल से कन्वर्ट होके होता है, और एक होता है ब्राउन टाइप का जो हम लोग बोलते हैं ना तिल, तिल जैसा होता है. तो वो छोटा 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 नोज के ऊपर भी रहता है. ये आप लोग किड जोन लेके, नोज लेके, ये अंडर आई, ये जगह लेके आपका
स्पॉट्स रहता है जो ब्राउन कलर का रहता है, उसको हम लोग फ्रेकल्स कहते हैं। उसके लिए आप घर में, आप बोल रहे हो ना, तो घर में आप आराम से बहुत सारा प्रोडक्ट्स है आप लोग घर में यूज़ कर सकते हो। फेस पैक लगा सकते हो, बहुत सारा फेस पैक है। मैं आपको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, होम अभी जैसे कि लॉकडाउन के टाइम आप बाहर भी नहीं जा पाओगे, अगर होम रेमेडीज आपको चाहिए देन आप एक काम कीजिए, 1 चम्मच बेसन लीजिए, बेसन के साथ 1 चम्मच आप हल्दी पाउडर ना, इसके साथ आप थोड़ा सा लेमन जूस, ये 3 मिक्स करके आप ट्वाइस इन वीक पैक लगाइए, आपको 15 से 20 डेज में बहुत सारा लाइट होगा। और एक चीज़, ये जो ब्लैक, अगर आपका पिगमेंटेशन, मैंने तो आपका स्किन नहीं देखा, दीपशिका जी को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका पिगमेंटेशन होता है या फिर आपका फ्रैकल्स होता है देन उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप डोंट वरी, आपका स्किन क्लीन हो जाएगा। और अगर आपको कुछ ब्रांड या फिर कुछ प्रोडक्ट के लिए आपको नॉलेज, मतलब आपको चाहिए फेस पे लगाने के लिए, आप मुझे इनबॉक्स में पिन कर सकते हो, मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको किसी ब्रांड किसी प्रोडक्ट्स का ब्रांड प्रमोशन के लिए नहीं हूँ, सो सॉरी मैं कुछ भी ब्रांड का नाम नहीं बता सकता अभी मैं। और फिलहाल अभी लॉकडाउन टाइम है, मैं घर पे जो लोग यूज़ कर सकते हो उसके लिए मैं मतलब बोल सकता हूँ, घर का प्रोडक्ट्स मैं बोल सकता हूँ। गुड आफ्टरनून कपिल, चिंकी पिंकी, वाओ नाइस नेम, हाय चिंकी पिंकी, हाउ टू कंट्रोल डैंड्रफ प्लीज सजेस्ट। ओके, डैंड्रफ 2 बजे से होता है चिंकी जी, चिंकी पिंकी जी, नाइस नेम। डैंड्रफ 2 बजे से होता है स्कैल्प में। एक है आपका बहुत, अगर हम लोग शैम्पू करते हैं शैम्पू के वजह से स्कैल्प हम लोग का ड्राई हो जाता है, तो उसके वो उसी प्रॉब्लम की वजह से भी डैंड्रफ होता है। दूसरा है कि हम लोग एकदम भी ऑयलिंग नहीं करते, ड्राई हो जाता है उसके वजह से होता है। आप बोल रहे हो कि अभी आप सोचो कि दोनों में ड्राई होने से होता है, ओके फाइन, लेट्स सी, मैं बताता हूँ आपको। अगर आप शैम्पू करते हो तो आप माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, माइल्ड शैम्पू यूज़ करोगे तो आपका उसमें सल्फर नहीं रहेगा पिंकी जी, तो उसके बाद आपका डैंड्रफ का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस शैम्पू में बहुत ज़्यादा सल्फर रहता है उस शैम्पू से ड्राई होके आपका स्कैल्प भी ड्राई होता है और आपका लेंथ भी ड्राई होता है, तो डैंड्रफ हो जाता है। सो आपको एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल मिलता है, उसको आप घर में लगा सकते हो स्कैल्प में मसाज कीजिए। वन थिंग इज, ऑयल का काम सिर्फ स्कैल्प में ही होता है, हेयर में नहीं होता है, हेयर में कंडीशनर या फिर मास्क ही काम करता है। आपको स्कैल्प मतलब क्लीन रखोगे तो आपका लेंथ भी अच्छा रहेगा। अब रेगुलर शैम्पू अगर करते भी हो तो माइल्ड शैम्पू करो। और अगर आपको जैसे प्रॉपर, मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने दीपशिका जी को मैंने बोला है, सॉरी कि मैं यहाँ पे किसी ब्रांड का नाम नहीं बता सकता, फिर भी मैं आपको बोलता हूँ, इंस्टेंट क्लियर बोल के एक शैम्पू आता है मार्केट में लॉरियल का, वो इंस्टेंट क्लियर शैम्पू आप यूज़ कर सकते हो, आपको 1 से 2 वीक्स में आपका पूरा रिमूव हो जाएगा। बट आपको एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क यूज़ करना होगा उसके साथ, नहीं तो आपका जो लेंथ है वो ड्राई हो सकता है। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए सो प्लीज़ आप मुझे इनबॉक्स करते हो, थैंक यू। एंड 1 सेकेंड, नाइन्थ नेम चिंकी पिंकी, भार्गवी शर्मा, हाय भार्गवी, कैसी हो, हाउ आर यू, प्लीज सजेस्ट मी वन वे रिमूव ब्लैकर्स, ओके फाइन। ब्लैकर्स के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि आप अगर घर में यूज, अभी तो जैसे सब कुछ बंद है तो आपको तो बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा भार्गवी, आप एक काम कीजिए, आप जब मेकअप करते हो तो उसमें कॉम्पैक्ट थोड़ा सा कम यूज़ करना, बिकॉज ओपन पोर्स रहता है ना, उस वजह से और ज़्यादा घुस जाएगा उसमें, घुसने के बाद और ज़्यादा ब्लैक हेड्स को फॉर्म करता है, सो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करना। और एक चीज़, आपको अगर घर में ब्लैक हेड्स रिमूव करना है आप एक काम करना, थोड़ा सा बेसन लेना, बेसन लेके उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, हनी मिक्स करना, हनी मिक्स करके पील ऑफ मास्क जैसा आप यहाँ पे लगा के कुछ टाइम रख दो, उसके बाद उसको स्क्रबिंग करो, करने के बाद उसको रिमूव कर दो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप खुद कर सकते हो, मैंने भी किया है, वो बहुत अच्छा है भार्गवी। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन चाहिए या फिर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो स्किन का एंड हेयर का आप मुझे बता सकते हो। हाय हवा यू, और कोई है, जोईता, हाय जोईता कैसे हो। एक्चुअली आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एंड फेमस एक ग्रुप से आज मैं यहाँ पे लाइव में हूँ, इसलिए मैं बंगाली में नहीं बात कर रहा हूँ। जोईता मोस्ट वेलकम, दीपशिका जी, वेलकम चिंकी पिंकी, 1 सेकेंड, नाइस नेम चिंकी पिंकी।
हेलो विश्वजीत। सो आप लोग मैं समर के लिए आप लोगों को यही बोल सकता हूँ कि आप लोग घर में बैठे हो, अभी बहुत सारा टाइम आप लोगों के पास है, आप लोग प्लीज़ अपना स्किन को एंड हेयर को आप लोग मेंटेन कीजिए। और अभी समर है तो उसमें आप फ्रूट्स बहुत सारा खाओ, फ्रूट्स खाने से भी आपका स्किन एंड हेयर भी अच्छा रहेगा। आप वाटरमेलन खा सकते हो, अभी बहुत सारा आप लोग पानी पियो, उससे आपका स्टोमक भी अच्छा रहेगा, स्टोमक अच्छा रहेगा तो आपका हेयर भी अच्छा रहेगा एंड आपका स्किन भी अच्छा रहेगा। अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है, आप लोग जितना हो सके आप लोग मेंटेन कर सकते हो, अभी आप लोगों के पास बहुत सारा टाइम है। मोस्ट वेलकम भार्गवी नंदिता मौजूदा। मेरा चीक पे ब्लैक है, चीक पे ब्लैक हेड्स आ गया है, चीक तक ब्लैक है सर, कोई उपाय बताओ प्लीज। ओके मैं नंदिता मुजुंदर जी, हाय नंदिता जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि चीक पे अगर चीक पे ब्लैकेट्स आया है तो देन आपका बहुत पहले से क्या आपका पिंपल का प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल ना आप लोग जो मुझे बोल रहे हो वो डिटेल में एक्चुअल मुझे अगर आप लोग का स्किन का या फिर हेयर का बैकग्राउंड जान पाऊँ सो अच्छा होगा। पहले आप लोग का कुछ हुआ था या फिर नहीं हुआ? सन में बाहर जाने से हुआ है ना नंदिता जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि सन में जाने से ब्लैक हेड्स का प्रॉब्लम कम होता है और रेडनेस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है या फिर पिगमेंटेशन का होता है। आप बोल रहे हो कि आपका चीक में ब्लैक हेड्स है, अब एग्जैक्टली आपका चीक में क्या है आप मुझे डिटेल में बता देने से अच्छा होता कि मैं आपको, अगर मैं आपको कुछ भी सजेस्ट करूँ अभी तो उल्टा भी हो सकता है। देन आप एक काम कीजिए, आप मुझे इनबॉक्स में पूरा डिटेल बता सकते हैं या पिन करने से मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप मुझे बता सकते हो। ओवर फोन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ क्या आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको बाहर निकलने से गाल लाल हो जाता है तो आप समझना कि आपका हाइपर सेंसिटिव स्किन होता है, तो उसमें आप लोग को हमेशा सनस्क्रीन यूज़ करके बाहर जाना है। अगर ड्राई स्किन होता है तो सनस्क्रीन यूज़ करो, और अगर ऑयली स्किन होता है तो आप सन जेल मिलता है वो सब यूज़ कर सकते हो। चीक पे ब्लैक हेड्स होता है आ गया जो आप बोल रहे हो नंदिता जी, चीक पे ब्लैक हेड्स इतना जल्दी नहीं आता है, चीक पे ब्लैक हेड्स आने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। पहले हम लोग का क्या था, नोज एरिया में जो टी जोन एरिया में हम लोग का दिखाई देता है कि ब्लैक हेड्स आया है। चीक में स्प्रेड जो होता है वो आप इफ़ यू डोंट माइंड मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उसको रेगुलर मेंटेन करो, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। हाई इमिली दी, हाव आर यू इमिली दी, খুব ভালো ভালো মেকআপ করো, খুব ভালো লাগে দেখতে তোমার, অনেক ইম্প্রুভ হয়েছে, আরো 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 ভালো করো, আরো ইম্প্রুভ করো, খুব ভালো লাগলো তোমার মেকআপগুলো দেখে। রেডনেস বি বহুত হতা হে, ওকে নন্দিতা জি, রেডনেস বহুত হতা হে মিন্স আপকা মানে যে বলা আপকা হাইপার সেন্সিটিভ হতা হে। হাইপার সেন্সিটিভ হোনে সে আপ এক কাম করো, আপ ঘর সে জব ভি নিকলো তো আপ কুছ সানস क्रीम, आपका ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन, मैं बोल रहा हूँ अगर ड्राई स्किन होता है तो आप सनस्क्रीन लगा के बाहर निकल सकते हो, और अगर आपका ऑयली स्किन होता है देन आप सन जेल बहुत सारा मिलता है वो लगा के निकल सकते हो। और अगर आप घर पे हो सो मैं आपको बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा तुलसी का पत्ता होता है, नंदिता जी आप ध्यान से सुनिए प्लीज़, थोड़ा सा तुलसी का पत्ता और थोड़ा सा कुकुम्बर को आप पेस्ट करके देन आप एक पैक बना के लगा के लाइट ऑफ करके हाफ एन आवर घर पे आप रहिए, आपका स्किन बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत ज़्यादा, और उसको बहुत जल्दी आपको टाइम मिलेगा। जयता दास, हाँ जयता, प्लीज़ सजेस्ट होम मेड हेयर पैक फॉर ड्राई हेयर। ड्राई हेयर के लिए मैं बोल सकता हूँ हेयर पैक भी हो, मैं बता रहा हूँ आपको, एंड आप हेयर ऑयलिंग का सिस्टम भी मैं बता रहा हूँ, जोइता को मैं बोल रहा हूँ। हेयर पैक अगर आपको ड्राइनेस के लिए चाहिए देन आप एक काम कर सकते हो, एलोवेरा मिलता है, एलोवेरा के साथ आप थोड़ा सा हनी मिक्स करके उसको लगा के 10 to 15 मिनट्स तक ट्वाइस इन ए वीक लगाइए, उसके बाद आप शैम्पू मत कीजिए। बहुत सारा लोग क्या कहते हैं ना, मैं एलोवेरा लगाती हूँ या फिर लगाता हूँ बालों पे, बट हम लोग क्या करते हैं एलोवेरा लगाने के बाद शैम्पू से रेन वॉश कर देते हैं। सो ये रेन वॉश शैम्पू से नहीं करना चाहिए, प्लेन वाटर से हम लोगों को एलोवेरा लगाने के बाद अगर बालों में कुछ एलोवेरा का जेल रह जाता है तो उस वो बहुत ही अच्छा होता है, उसको हम लोग को पूरा सा रिमूव नहीं करना है, वो रहने से अच्छा है। देन आप एलोवेरा लगाने के बाद जब आप वॉश कर दोगे डे आफ्टर टुमोरो आप उसको ऑयलिंग करने के बाद आप शैम्पू कर सकते हो, तब जाके हेयर का ड्राइनेस जो होगा कम होगा।
जयिता दास, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको समझ में आया? मतलब आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मेरा उतना हिंदी क्लियर नहीं है। फिर भी आप अगर घर में ड्राइनेस के लिए हेयर पैक लगाते हो, सो आप उस एलोवेरा जेल के साथ, एलोवेरा जेल अगर घर में आपको रॉ फ्रेश एलोवेरा मिलता है, तो एलोवेरा को आप निकाल के, जेल को निकाल के, देन उसके साथ आप थोड़ा सा हनी मिक्स करके आप बालों में लगा सकते हो। लगाने के बाद 1 आवर आप रखो, रखने के बाद उसको वॉश, प्लेन वाटर से वॉश करना। प्लेन वाटर से वॉश करने के बाद नेक्स्ट वाला दिन आप उसमें ऑयलिंग करना। ऑयलिंग करने के बाद आप शैम्पू करो। ऑयलिंग आपको प्लेन नॉर्मल ऑयल लगाने से भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाने के बाद शैम्पू कर सकते हो, तब जाके ठीक है। बहुत सारा लोग क्या बोलता है कि मैं एलोवेरा लगाती हूँ, स्किन में भी लगाती हूँ या फिर हेयर में भी लगाती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ इम्प्रूव नहीं हो रहा है। बाबू, आप लोग एलोवेरा जेल लगा सकते हो, लेकिन लगाने के बाद उसको कैसे वॉश करना है वो सबसे इम्पोर्टेंट। मैंने पहले भी बोला था एक जन को यहाँ पे कि शैम्पू जितना कम हो सके अवॉइड करो, और अगर शैम्पू करते भी हो तो उसमें प्रोफेशनल वाला। आप लोग हमेशा किसी भी सलून, आपके घर के पास में किसी भी सलून या फिर किसी भी प्रोफेशनल स्टोर से जाके, कॉस्मेटिक स्टोर से जाके आप लोग प्रोफेशनल शैम्पूस लीजिए। उसमें बहुत कम सल्फर होता है, तो जितना कम सल्फिड होगा उसमें ड्राइनेस का ड्राइनेस कम होगा, सो आप लोग आराम से उसको मेंटेन कर सकते हो। प्रकृति भरमन, हाय प्रकृति, माई हेयर इज स्प्लिट डैमेज इन द मिडिल, ओके व्हाट शुड आई डू। ओके प्रकृति जी, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप आपका कुछ जानना होगा मुझे, लाइक हेयर जब आप जब नहा के आते हो तो टॉवल से ड्रैप करके रखते हो क्या? नहीं, अच्छा, अगर आप रखते भी तो उसको रखना मत, और वेट हेयर में, भीगा बालों में आप उसको कोमिंग मत करना। भीगा बालों में अगर आप कोमिंग करते हो तब जाके बालों का दो मुंह है, जो हम लोग स्प्लिट्स कहते हैं, स्प्लिट्स होता है, डैमेज होगा। क्या आपके बालों में पहले से कलर या फिर स्ट्रेटनिंग किया था आपने? अगर आप कलर या फिर स्ट्रेटनिंग कुछ केमिकल किया तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर दिखाई देता है बालों पर। प्रकृति जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने कुछ भी प्रोडक्ट पहले केमिकल यूज़ किया, लाइक हेयर कलरिंग हो या फिर स्मूथिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, वॉट एवर, आप जो भी किया आपने, उसको आप थोड़ा सा एक काम कर सकते हो, अगर 1 to 2 times या फिर 3 times बहुत सारे लोग करते हैं, देन उसके बाद जाके ये स्प्लिटेंस या डैमेज का प्रॉब्लम आता है। आप उसको थोड़ा सा ट्रिम करवाओ, अभी तो ट्रिम का सिस्टम मतलब पार्लर्स भी बने, जब खुल जाएगा सो आप जाके उसको थोड़ा सा ट्रिम करवाइए, देन आप घर में एब्सोल्यूट रिपेयर बोल के एक मास्क आता है, आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हो वो, और बहुत सारा अभी सलोन खोलने के बाद आप लोग जा सकते हो। कैरेटिन कर लीजिए, कैरेटिन करने से आपका स्प्लिटेंस एंड डैमेज का प्रॉब्लम, डैमेज कब होता है, जब एकदम अनहेल्दी हो जाता है बाल, या फिर बहुत ज़्यादा हम लोग शैम्पू करते हैं तब जाके हम लोग का बाल डैमेज हो जाता है एंड स्प्लिटेंस आता है। थैंक यू फॉर द टेलिंग विद तुलसी एंड कोकोनट, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है नंदिता मजुमदार जी, आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करते हो तो मैं आज मैं यहाँ पे लाइव में नहीं आया कि मैं मुझे मतलब रेगुलर में आ सकता हूँ। आप लोग मुझे ज्वाइन कीजिए, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग अगर मुझे ज्वाइन करोगे, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, सो मैं आप लोगों के साथ नया नया कुछ टॉपिक लेके आप लोगों के पास आ सकता हूँ। नया नया सीजन में नया नया स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम, मेकअप प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम्स लेके मैं आप लोगों के पास आ सकता हूँ। आज मैं जैसे कि आप लोगों के साथ ज़्यादा मेकअप के बारे में शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी हम लोग ये जो COVID-19 में हम लोग लॉकडाउन में घर में बैठे, तो मेकअप का उतना ज़्यादा हम लोगों का ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप लोगों को अगर कुछ एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत चाहिए तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, इनबॉक्स में भी मैं आपको बता सकता हूँ, अभी भी बता सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट मैं आज का टॉपिक जो ले बोल रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर लेडीज़ क्या है, अभी ये लॉकडाउन में हम लोग ज़्यादा किचन में जा रहे हैं, धूप भी बाहर बहुत ज़्यादा है, तो स्किन में बहुत ज़्यादा हम लोग का इफेक्ट हो रहा है। सो आप लोग घर में बैठ के आप लोग घर पे कैसे आप लोगों को मेंटेन कर सकते हो, अपना स्किन को ठीक रख सकते हो, उसी टॉपिक को लेके मैं आज यहाँ पे आया हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन डॉक्टर सोमन भारतिया एंड ऑल वैदिक्रम ग्रुप्स मेंबर्स, आप लोगों को सबको मैं थैंक्स बोल रहा हूँ कि आज मैं यहाँ पे आया, आप लोग ने भी मुझे सपोर्ट किया, आप लोग ने सपोर्ट किया इसलिए मैं आज यहाँ पे लाइव में आया। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन। हाय बबीता, हाउ आर यू? जयता दास, थैंक यू फॉर एडवाइस, मोस्ट वेलकम जयता दी। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। एक्सक्यूज मी,
जैसे मैंने बोला था, आप लोग घर में बैठ के बहुत सारा पानी पियो। लाइक अभी तो विंटर सीजन है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अभी तो समर सीज़न है। समर सीज़न में ज़्यादातर क्या है, तो बॉडी हम लोगों का बॉडी ड्राई होता है, गला सूख जाता है। देन आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों को पानी पियो, फ्रूट्स फ्रूट्स वो वाला फ्रूट्स आप लोग पियो जिसमें आप लोगों का खाओ, जिसमें आप लोगों को पानी का बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होता है, पानी रहता है। जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन जितना खाओगे, अभी इस सीज़न के लिए वाटरमेलन बहुत अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है, हेयर आपका स्किन के लिए भी अच्छा है, एंड स्टोमक के लिए भी अच्छा है। वन थिंग इज, स्टोमक अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। आप हम लोग जितना भी ब्रांड्स लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं, लगाने से भी साइड इफेक्ट, किसी का साइड इफेक्ट होता है, किसी का कुछ इम्प्रूव नहीं होता है। देखिए, कुछ भी ब्रांड या फिर कुछ भी प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, हमको वही करना है जो हम लोग स्किन में जा रहा है, उसको एक्चुअल सही स्किन में सही प्रोडक्ट जाना चाहिए, तब जाके अच्छा था। बहुत सारे टाइम, जैसे कि मेरा एक छोटा सा सलून है सिलचर में, तो मैंने देखा है बहुत सारा क्लाइंट आके बोल दे उस लेडी ने ये लगाया था तो उनके स्किन में इतना अच्छा ग्लो आया, मैंने मैंने भी वही लगाया, मेरे स्किन में क्यों नहीं आया? मैडम, वो उनका स्किन पे वो प्रोडक्ट सूट किया है, आपके स्किन में ना भी कर सकता है। सो इसलिए किसी का सुन के आप लोग मत करो। आप लोगों का जितना, मतलब जितना हो सके आप लोग किसी के साथ कंसल्ट करो, उसके बाद जाके आप लोग स्किन में या फिर हेयर में आप लोग वो अप्लाई करो कुछ भी प्रोडक्ट्स। थैंक्स फॉर वेल्यूएबल सजेशन, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। माधु शील, हाय माधु। मेरा सर का बाल लंबा क्यों नहीं होता है? सर का बाल लंबा नहीं होता है, जैसे एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो रहता है, मैंने जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आपके बाल, आपके सर में ऐसे ही बाल बहुत कम है। ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से भी होता है कि सर में बाल बहुत कम ही होता है किसी किसी का। आप एक काम कर सकते हो, ऑयलिंग करो, एंड आप डेली 50 to 100 times, जो आपका पॉसिबल नहीं है, आपका लाइफ स्टाइल के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता है, मैं बोल रहा हूँ, फिर भी जितना ज़्यादा कॉम्बिंग करोगे बाल उतना ज़्यादा लंबा होगा। एंड अगर डेड सेल्स रहता है स्कैल्प में, तो डेड सेल्स क्लीन होके वो वहां पे नया हेयर्स का वो ग्रो होने का चांसेस रहता है। अगर आप लोगों का कुछ भी प्रॉब्लम होता है स्किन का या फिर हेयर का, सो प्लीज़ मुझे आप लोग इनबॉक्स कर सकते हो। अभी अगर कोई मतलब लाइव को मतलब मिस कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कोई काम में है या फिर जो भी है, तो आप लोग बाद में भी मुझे नॉक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड अभी भी अभी जितना सारा नम्रता, हाय नम्रता, हाउ आर यू, एनी प्रॉब्लम फॉर योर स्किन एंड हेयर, या फिर आपको अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। घर, एक्चुअल मैं आज यहाँ पे टॉपिक लेके बैठा हूँ, घर में हम लोग को कैसे मेंटेन करना है। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, जो प्रीवियस मतलब वीडियो का जो पहले मैंने बोला है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ आज, जबकि मैं इसी टॉपिक को लेके बैठा हूँ। घर में हम लोग को मेंटेन कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग के ऊपर है। अगर हम लोग अपने आप को थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोग अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि लॉकडाउन के टाइम हम लोग एक ही टेंशन लेके बैठे कि अभी कोरोना है, अभी क्या होगा नहीं होगा। हाँ, नो डाउट, हम लोग को पूरा दुनिया का टेंशन है, हम लोग खुद भी घर, मैं भी, आप लोग भी, हर कोई घर में बैठो, हर किसी का मतलब एक लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो उसमें क्या है ना, बहुत सारा टेंशन आ गया। सो उस बीच में आप लोग थोड़ा सा खुद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन करोगे तो देखना आपका फेस में वो इफेक्ट आ जाएगा। सो आप थोड़ा उस चीज़ को अलग रखिए और वो कीजिए। और मैं मतलब यहाँ पे जितना सारा मेरा मतलब मैं क्या बोलूँ, माई डियर्स लेडीज़ एंड गर्ल्स, आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग क्या कर रहे हो, किचन में जाके आप लोग खाना बना रहे हो, बहुत सारा डिशेस। अभी फेसबुक खोलने से ये दिखता है कि बहुत सारा मतलब खाने का डिश का फोटोज एंड ऑल ये सब। हाँ, बहुत ही अच्छा है, आप लोग फैमिली में टाइम बिता रहे हो या फिर बहुत सारा नया नया खाना बना रहे हो, लेकिन उसके बीच भी आप लोग मेंटेन करो, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा आप लोगों का वो हो गया, गर्मी आ रहा है, तो गर्मी में क्या, आप जितना
स्वेटिंग होगा आपका फेस, किसी का सेंसिटिव स्किन होगा, स्वेटिंग होगा, आप भी जाके खाना बना रहे हो, आप वही से वही सब टॉपिक लेके कि घर में हम लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं होगा, ये आप लोग सोचना भी मत। घर में है फिर भी हम लोग को मेंटेन करना ही होगा, क्योंकि घर में रहने के बाद भी हम लोग का आपका लाइट का जो लाइट इफेक्ट होता है स्किन में, या फिर हम लोग का जो खाना बनाते हैं गैस के सामने, तो उसका भी बहुत सारा हीट आता है, उससे हम लोग को स्किन को बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत हार्मफुल होता है। तो उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसी टॉपिक को लेके आज मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोगों के सामने कि घर में हम लोग को बहुत सारे प्रोडक्ट्स होता है, बहुत सारा फ्रूट्स होता है, बहुत सारा प्रोडक्ट्स होता है जो घर में रहता है, मसाले होता है जैसे बेसन मसाले में आ गया, तो वो सब चीज़ आपको कैसे लगा के आपको मेंटेन करना है, उसी चीज़ को लेके मैं आज यहाँ पे हूँ। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा सो प्लीज़ आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आप लोगों का हेल्प कर सकता हूँ। और एक चीज़, अभी जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे कोरोना लेके हम लोग तो टेंशन में है, बॉडी ह्यूमन सिस्टम को सबसे अच्छा हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है पूरा इंडिया में, सॉरी पूरा वर्ल्ड में, तो उसमें क्या है ना, आप मतलब घर पे हो, सेफ हो, आप ऐसा कभी मत सोचना, आप घर पे हो, आप अपने बॉडी ह्यूमन सिस्टम को आप उसको कैसे आप ग्रो कर रहे हो, आप अच्छा आप खाने में बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान दो कि हम लोग घर में है बहुत सारा मसाला एंड ऑयल देके खाना खाने से हम लोग अच्छे रहेंगे, ये गलत है, लेकिन हम लोग को लिमिट में रहना होगा, हम लोग का नमक भी कम खाना होगा, शुगर भी कम खाना होगा, सब चीज़ को हम लोग को ध्यान में रख के अपने आप को मेंटेन में रखना होगा। ऐसा नहीं कि घर में है हम लोग सेफ है, अब मैं सबको मैं बोल रहा हूँ, आप लोग घर में बैठे हो, जो भी आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आप लोग घर में बैठो, आप अपने आप को खाने पीने में ध्यान दो, और बॉडी ह्यूमन सिस्टम को आप लोग कैसे ग्रो करोगे उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बॉडी ह्यूमन सिस्टम ग्रो रहेगा और अच्छा रहेगा तब भी जाके आपका लेकिन स्किन एंड हेयर भी अच्छा रहेगा। आप हम लोग का, मैंने पहले भी बार बार मैंने ये चीज़ बोला, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, हम लोग का स्टोमक अच्छा है सो हम लोग का स्किन एंड हेयर दोनों ही अच्छा रहेगा। एंड थैंक यू सो मच अभी जो मेरे साथ ज्वाइन है अभी भी, थैंक्स अ लॉट, आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट कीजिए सो मैं आप लोग के लिए कुछ नया नया टॉपिक लेके आ सकता हूँ। और अगर कुछ आप लोगों का नया इश्यूज है स्किन में हो या फिर आपका हेयर में हो सो आप मुझे बोल सकते हो। हाय सबको, मैं हाय हाय बोल रहा हूँ, बाद में मैं रिप्लाई कर दूँगा, डोंट वरी माधु, चिल थैंक यू। हीरो तो मैं नहीं भाई, तुम हो हीरो, मोस्ट वेलकम भाई, फाइन अंदिता चाह। आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होने से आप लोग मुझे एकदम बेझिझक आप लोग बता सकते हो कि आप प्रॉब्लम है आपके स्किन पे, कोई इशू नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन टू भारतीय डॉक्टर शोमन भारतीय, एंड स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर शोमन भारतीय एंड थैंक्स टू ऑल माई व्यतिक्रम ग्रुप। आज मैं यहाँ पे लाइव में हूँ उन लोगों का पेज से, उन्होंने मुझे अचानक से कॉल करके मुझे बोला कि लाइव में आने के लिए, थैंक यू सो मच, आज मुझे इस लाइव समझा। सो मैं भी सबको बता रहा हूँ कि आज अगर आप लोग का किसी ने आप लोग मतलब लाइव मिस कर दिया या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग मतलब नहीं बोलो, चिंकी पिंकी शेयर सम टिप्स ऑन ट्रिमिंग हेयर एट होम, ओके फाइन। ट्रिमिंग ट्रिमिंग के लिए मैं एक्चुअल एग्जैक्टली मैं ट्रिमिंग जो हेयर का है, थोड़ा सा लॉन्ग हेयर तो लेंथ बहुत सारा रहता है ना, बहुत टाइप का, सो मैं ये बता सकता हूँ कि आपको लॉन्ग हेयर के लिए कैसे ट्रिमिंग कर सकते हो। आप ऑब्वियसली हर किसी के घर में छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो एक सीजर रहेगा। आप लोग एक काम करना, अगर कोई है कि आपके घर में कोई आपका दीदी हो या फिर भैया हो, उनको थोड़ा बहुत मतलब सीजर पकड़ना आता है, अब हर किसी को कोई बाल ना काटे कोई बात नहीं, लेकिन पेपर तो किसी ने काटा है ना, उस हिसाब से अभी काम चलाने वाला। आप एक काम करना, ट्रिमिंग के लिए मैं बता सकता हूँ, चिंकी बिंकी जी मैं आपको सबको बता सकता हूँ कि घर में आप अपने बाल को कैसे ट्रिम कर सकते हो। आपका अगर स्प्लिट एंड्स का प्रॉब्लम है, सब बाल को पूरा आप पहले हेयर वॉश कर लीजिए, देन भीगा हुआ बालों को पूरा सा कोम करके उल्टा करके एकदम बैक साइड में आप रख लेना, एकदम स्ट्रेट करके आप बैक साइड में रख लेना। देन आप खुद से तो ट्रिम नहीं कर पाओगे, अगर खुद से करना है तो सब बाल बैक में ना रख के सब बाल को आप ऊपर उठा के देन आपको उसको चॉप कर सकते हो। अगर आपके घर में कोई मतलब है या फिर आपके
पड़ोस में कोई है, कोई अगर आता है, आपका भाई वगैरह कोई है या फिर बहन फ्रेंड कुछ भी, मम्मी है घर में, उनको बोलो कि आप दिखा दो इतना इतना सा मुझे बस ट्रिमिंग करना है। तो सो वो आराम से आपको थोड़ा सा हल्का हल्का आप लाइन दिखा दो, ट्रिम कर सकते हो। और एक चीज़ है, आप दोनों साइड को डिवाइड करके सामने ला के अपना ये जो लेवल है इस लेवल के साथ नाप के आप अपने हिसाब से उसको लेंथ को ट्रिम कर सकते हो। ये पूरा आप सेंटर में डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद ट्रिम कर सकते हो। देन वो क्या होगा, आपका पीछे से जाके एक राउंड शेप आएगा उसमें, लेकिन आपका स्ट्रेट शेप नहीं आएगा, राउंड शेप आएगा, क्योंकि यहाँ का बाल जो है घूम के यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे आप ट्रिम कर सकते हो, थोड़ा काम चलाने वाला हो जाएगा। ओके चिंकी पिंकी नम्रता दादा पिम्पलर जो फेस वाश कौनटा यूज कर ले भलो हो और होम रेमेडी किच्छू बोलो। ओके पिंपल के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप जेल नम्रता, मैं एक्चुअल मैं अभी एक दूसरा ग्रुप से मैं बोल रहा हूँ, मतलब व्यतिक्रम ग्रुप से मैं बोल रहा हूँ, हर कोई यहाँ पे बंगाली समझ में नहीं आता, सो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ। नम्रता आपको, आपको अगर मतलब कोई फेस वॉश मैं सजेस्ट करूँ, सो अभी मैं डायरेक्टली मैंने पहले भी बोला था मैं किसी ब्रांड प्रमोशन के लिए मैं यहाँ पे बैठा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सिंपली बता सकता हूँ, जेल बेस फेस वॉश आपने देखा होगा ऑब्वियसली, जिसमें एक होता है क्रीम बेस होता है, एक होता है जेल बेस होता है। आपका पिंपल है, आप जेल बेस प्रोडक्ट यूज़ करो, सॉरी आप जेल बेस प्रोडक्ट यूज़ करो, जेल बेस आप फेस वॉश यूज़ करो, आपका रिमूव हो जाएगा। और घर में होम रेमेडी, होम रेमेडी अगर आपको चाहिए देन आप एलोवेरा, अगर घर में है आपका एलोवेरा जेल तुलसी के साथ मिक्स करके आप मुंह पे लगा सकते हो, मतलब ना फेस पे लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आप सबको जेल वाला क्यों बोल रहा हूँ, अभी समर सीजन है, समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, और जेल फ्रेश जेल हो या फिर कुछ भी हो उसमें आपको एक ठंडा सा एक कूल इफेक्ट देगा, जितना सारा कूल इफेक्ट देगा उससे आपका वो होगा, आराम मिलेगा आपका फेस के लिए। और एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, बहुत सारा लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या फिर बात करते हैं, मैंने देखा है कि आइस लगाना फेस में, आइस लगाने से भी बर्निंग होता है, आप लोग आइस फेस में बिल्कुल मत लगाना। अगर सेंसिटिव स्किन हो तो बिल्कुल भी आप लोग आइस, बहुत मैंने देखा है डीप फ्रिज में रख देते हैं लेके उसके बाद लगा दिया, ऐसा बिल्कुल भी मत कर। अगर आप लोगों को आइस लगाना भी है, आपको ठंडा इफेक्ट चाहिए, सो आप एक काम कर सकते हो, वो एलोवेरा जेल जो होता है या फिर किसी भी कुछ भी पेस्ट आपको लगाना है, 1 घंटे पहले उसको फ्रिज में रख दो, उसके बाद आप लोग फेस पे लगा सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट आइस अगर आप लोग स्किन में लगाते हो उससे बर्निंग भी होता है और इचिंग, सेंसिटिव स्किन के लिए क्या होता है ना, इचिंग प्रॉब्लम होता है, तो उसको आप लोग बिल्कुल भी मत लगाना। अनुपमा हाय अनुपमा रंगा दी ভালো আছি, তুই কেমন আছিস? হ্যালো দাদা, ও ডু প্লিজ লাইক মি সাজেস্ট করতে পার্মানেন্ট গ্রে হেয়ার, পার্মানেন্ট গ্রে হেয়ার মানে বৈশালী কো মে বড় হ্যাঁ ফির সে বলো না সাজেস্ট মি দে টু ট্রাই ট্রি ग्रे हेयर। ओके ग्रे हेयर का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है, मैं आपको ये चीज़ बता सकता हूँ, अगर आपका कम ग्रे हेयर है, आपको उसको मतलब ज़्यादा नहीं, ग्रे हेयर जो होता है बहुत सारे आजकल बच्चे लोगों का भी मतलब ग्रे हेयर का प्रॉब्लम होता है, जैसे मैं अपना मैं बोल रहा हूँ, मेरा भी बहुत मतलब मैं मेरा बचपन से भी ग्रे हेयर आ गए, जो जब से मैं इस लाइन पर आया और फैशन मतलब फैशन लाइन में आया, स्टार्ट किया आपने आपको, तब से जाके मैंने अपना बाल में कलरिंग स्टार्ट कर दिया, बिकॉज मैं तभी मेरे दिमाग में ये आया कि ग्रे भी एक फैशन होता है। अगर किसी किसी का प्रोफेशन में भी सूट नहीं करता है कि मतलब ग्रे हेयर कैरी करना, सो अब मैं आप लोगों को ये चीज़ बता सकता हूँ कि आप एक काम करो, अगर आपका कम है 100 में अगर 2 to 5% आपका ग्रे हेयर है, आप मस्टर्ड ऑयल लगा सकते हो, मस्टर्ड ऑयल लगाने से ग्रे हेयर का प्रॉब्लम एक धीरे धीरे, मस्टर्ड ऑयल के साथ आप थोड़ा ना आंवला मिक्स करके उसको बॉयल करो, वैशाली आप मैं आपको मैं बता रहा हूँ, आप मस्टर्ड ऑयल के साथ अगर आपका 100 में ओनली 2 to 5% ग्रे है आप, या फिर किसी किसी का देखना आप लोग आईब्रो भी वो हो जाता है, आप उसमें क्या कर सकते हो, मस्टर्ड ऑयल के साथ थोड़ा सा आंवला जूस, आंवला जूस नहीं सॉरी, आंवला को ग्राइंड करके उसके साथ बॉयल करके आप लोग वो वाला ऑयल लगा सकते हो, देन आपका धीरे 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 ग्रेनेस थोड़ा कम होगा, बट
हेयर ग्रे जो होता है वो हम लोगों का बॉडी ह्यूमन सिस्टम के वजह से भी होता है, हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है। अगर उसको गाइड करने के लिए मैं बता सकूँ कि आप लोग कलर यूज़ कर सकते हो, कलर में कलर यूज़ करोगे तो आप मतलब जिसमें एमोनिया फ्री कलर्स होता है, अभी बहुत सारा आ गया मार्केट में, तो एमोनिया फ्री कलर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। और भी अगर कुछ आपको ज़रूरत है कुछ जानने का, सो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो, इनबॉक्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं। सुचंद्रा रॉय, हाय, वेरी यूजफुल टिप्स, थैंक यू सो मच। फिर भी अगर आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स है देन आप लोग मुझे बता सकते हो इनबॉक्स में, हेयर लेके या फिर स्किन लेके, या फिर आपका कुछ मेकअप टिप्स या फिर कुछ प्रोडक्ट नॉलेज चाहिए आपको, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा स्किन में, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा हेयर में जाएगा, आप मुझे शेयर कर सकते हो, मैं आपको बता सकता हूँ। कैन यू सजेस्ट मी सम होम टिप्स फॉर ओपन पोर्स प्रॉब्लम? ओपन पोर्स के लिए मैं आपको नहीं, ओपन पोर्स के लिए नहीं बताया, मैं आपको बताता हूँ सर सचिंद्रा जी, मैं आपको ओपन पोर्स के लिए बताता हूँ कि आप एक काम कीजिए, घर में आपका तो बेसन ही है, बेसन के साथ थोड़ा सा हनी मिक्स करके आप पैक लगा दीजिए, लगाने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा स्क्रब करके उसको रिमूव करने के बाद आप थोड़ा सा नीम वाटर, घर में आप नीम वाटर बना सकते हो, जो नीम का जो पत्ता है उसको थोड़ा सा बॉयल करके पानी निकाल के फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रखने के बाद उसको निकाल के उसको मुंह पे लगा के रख दो, ड्राई होने दो 10-15 to 20 मिनट्स या फिर 20 to 25 मिनट्स, रखने के बाद उसको हल्का सा रेन वॉश करो, उसके बाद उसको ऐसे डैप करके रख दो। कभी भी फेस जब आप लोग क्लीन करोगे, फेस जब वॉश करोगे, पानी दे के उसने उसके बाद कुछ टावल लेके उसको ज़्यादा रब मत करना, जितना रब करोगे स्किन में वो स्किन के लिए हानिकारक होता है, आप लोग ऐसे मत करना, उसको जस्ट स्किन में रहने देना। अभी जैसे समर सीजन है, स्किन में जितना पानी जाएगा उतना अच्छा होगा, या फिर उसको डैप करके देना। तो आप लोग नीम वाटर ओपन पोर्स के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग नीम वाटर बना के लगा सकते हो, बहुत अच्छा है। और ओपन पोर्स के लिए हम लोग जैसे पीलिंग करते हैं, अभी तो घर में आपने जहाँ तक मुझे बोला तो घर का पीलिंग मैं बता सकता हूँ, एक पैक हो गया आपका बेसन का और सॉरी बेसन एंड हनी का, वो पैक लगाने के बाद आप टोनर लगा सकते हो, उसके बाद आप ये 2 वीक किया तो 1 वीक आप ये कर सकते हो कि कच्चा दूध होता है उसके साथ आप चावल का जो पेस्ट होता है ना ग्राइंड करके, जो राइस पाउडर होता है उससे आप पिल पैक बना के रख सकते हो, उससे भी बहुत अच्छा पीलिंग होता है। अगर पोर्स बड़ा होता है देन आप वो यूज़ करना, अगर आपका छोटा पोर्सेस होता है जो ब्लैक में होता है पोर्सेस, तो उस पर आप लोग ये जो राइस का जो पेस्ट मैंने बोला मिल्क के साथ वो आप मत यूज़ करना, वो यूज़ करना सही नहीं होगा। अगर आपका पोर्स बड़ा होता है देन आप कर सकते हो, अदरवाइज आप बेसन से कर सकते हो, क्योंकि चावल का जो वो रेशस होता है, दाना होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ आप लोग बेसन से भी कर सकते हो, उसमें आप लोग वो मत कीजिए, चावल मत लगाइए, ठीक है। और कुछ जानना है आप लोगों को? एक्चुअल मैं अभी बहुत टाइम हो चुका है, 1 आवर ऑलमोस्ट होने को है, तो मैं लाइव से अभी थोड़ा बाद में चला जाऊंगा। सो आप लोग अगर किसी को कुछ भी, किसी ने अगर ये मतलब मिस हो गया आपका लाइव, सो आप लोग मुझे बता सकते हो कैसे आपको मेंटेन करना है घर में, या फिर क्या प्रॉब्लम है आपके स्किन में या फिर हेयर में, आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ। थैंक यू सो मच आप लोग, अभी भी जो लोग मेरे साथ ज्वाइन करके यहाँ पे आप लोग मुझे झेल रहे हो इतना टाइम से, तो उन लोगों के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू व्यतिक्रम जो मुझे आज यहाँ पे लाइव में आने के लिए बोला, थैंक स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सोमन भारतिया, उनको मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बाद में मैं लाइव से चला जाऊँगा। तो सो प्लीज़ आप लोग जो घर में लॉकडाउन के टाइम घर पे बैठे हो, अगर किसी को आपको कुछ भी मेंटेन करना है देन आप लोग मुझे बता सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग प्लीज़ आप मुझे मेरे साथ शेयर कर सकते हो, घर में बैठ के आप लोग कैसे वो करें। लेकिन मैं बार बार आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जाने से पहले हम लोग घर में हैं, हम लोग के हाथ में बहुत ज़्यादा टाइम है, हम लोग अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, सिर्फ टेंशन करने से नहीं होगा। अगर हम लोग ज़्यादा अगर टेंशन करेंगे कि हम लोग को मतलब ये हो गया, अभी दुनिया में कैसा चल रहा है ये सब, तो उससे ना हम लोग का फेस में इफेक्ट आ जाता है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा साइड में रख के, तो ये एक बहुत बड़ा टेंशन है हम सब के अंदर है, हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग का बिजनेस को चलाना, कैसे हम लोग का जॉब चलाना है, जो भी है,
तो हम लोग उसको रखने के बावजूद भी अपने आप को मेंटेन करना है। ज़्यादातर मैं लेडीज़ लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो लोग पूरा मतलब पूरा दिन काम करने के बाद भी आप लोग घर में हो, उसके बाद भी आप लोग टेंशन भी ले रहे हो, आप लोग घर में हो, हाँ आप लोग खाना बना रहे हो, हाँ सब ठीक है, उसके बाद भी आप लोग अपने आप को मेंटेन करो। घर में आप लोग जो खाना बनाते हो उसके वो वहाँ पे किचन में ही है आपका, आप मैं बता सकता हूँ ये किचन ब्यूटी है, ये किचन ब्यूटी टिप्स है, किचन में सब कुछ है, आप लोग जो अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। और मैं तीन चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऑयली स्किन एंड ड्राई स्किन एंड सेंसिटिव स्किन। ऑयली स्किन के लिए आप लोग घर में कुकुम्बर एंड तुलसी का पेस्ट फ्रिज में रख के लगा सकते हो, आपको बहुत अच्छा एक रिलैक्समेंट मिलेगा एंड आपका जो मतलब ऑयल सिक्रेशन जो ज़्यादा होता है वो कम होगा। आप नींबू खा सकते हो, नींबू खाने से भी आपका बहुत ज़्यादा बॉडी टॉक्सिन्स निकल जाता है, ऑयलनेस थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। नमक थोड़ा कम खाइए। और ड्राई स्किन के लिए मैं बता सकता हूँ कि आप लोग क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट लगाइए, कुछ भी जेल यूज़ मत कीजिए। और मैंने ज़्यादातर क्या देखा है कि आप लोग जेल ड्राई बेस सब मिला के आप लोग लगा दो, एकदम भी ऐसा मत करना। पहले आप देखो कि आपका स्किन कैसा है, उस हिसाब से आप अपना स्किन में प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। और सेंसिटिव एंड पिगमेंटेशन जिनका है उनको मैं बता रहा हूँ, ये तीन चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आप जब भी किचन में जा रहे हो, आप भी जब भी खाना वाना बना रहे हो। प्रीति दास कुता, वेट सेकंड, मैं एक चीज़ से बता देता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपका प्रॉब्लम्स क्या है, मैं देख के आपको बताता हूँ। अच्छा, तो जो जिनका सेंसिटिव स्किन होता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी बाहर निकल रहे या फिर खाना बना रहे हो, पिगमेंटेशन एंड हाइपर सेंसिटिव स्किन जिनका होता है ना, तो आप जब भी खाना बना रहे हो या फिर घर के अंदर पे रहे हो तो सनस्क्रीन आप ज़रूर लगाइए। सनस्क्रीन लगाने से आपका बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपका स्किन को मतलब उतना हार्मफुल नहीं करेगा। आप सनस्क्रीन लगाइए, स्किन अकॉर्डिंग आप सनस्क्रीन लगाइए। देन अगर आपको होम रेमेडी चाहिए तो होम रेमेडी भी आप कुकुम्बर लगा सकते हो, फ्रिज में रख के लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा होगा। ओके फाइन, अभी एक जन बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी, क्या प्रॉब्लम है आपका? हेयर कलर करने से मुझे बहुत इचिंग होता है, सो मैं क्या करूँ? ओके फाइन, आपने कौन सा हेयर कलर यूज़ किया था? सॉरी, कौन सा कलर यूज़ किया था आप जब वो मुझे थोड़ा सा इनबॉक्स में बता दीजिए। अभी जैसे कि बहुत सारा कलर्स है, पहले पहले ऐसे प्रॉब्लम होता था। आप डाई बेस कलर एकदम भी मत लगाए, आपका अगर ग्रे हेयर है, आप चाहते हो कि आप एक बार कलर करोगे तो उसको मतलब लॉन्ग लास्टिंग होगा, तो दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर होता है, तो आप हमेशा माइल्ड कलर लगाइए। माइल्ड कलर क्या होता है, जो जेल बेस होता है, मैं आपको इनबॉक्स में बहुत सारा ब्रांड्स है, मैं बता दूंगा आपको कौन सा ब्रांड का लगाना है। जेल बेस लगाने से आपका आई थिंक आपका मतलब इचिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब भी आप लगाओ कलर, मैं हर किसी को बोल रहा हूँ, जब भी आप हेयर कलर लगाओगे सो आपका थोड़ा स्किन में टेस्ट कर लेना, स्किन में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कान के पीछे लगा के थोड़ा सा टेस्ट कर लेना, हम लोग बचपन से सुन के आ रहे हैं ये चीज़, थोड़ा सा टेस्ट करके देन आप लोग लगा सकते हो। और क्या होता है, ये क्योंकि जिनका मतलब बहुत ज़्यादा एलर्जी प्रॉब्लम होता है, स्किन प्रॉब्लम होता है, तब जाके उन लोगों का ये होता है जो मतलब इचिंग होता है। आप कौन सा ब्रांड पहले आपने लगाया था प्लीज़ मुझे आप थोड़ा सा बता देना, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। आप एक्चुअल क्या है ना, मैं हेयर का कुछ भी चीज़ या फिर स्किन का कुछ भी चीज़ डायरेक्टली पूरा नहीं बोल सकता कि आप लोग ये लगाओ वो लगाओ वो लगाओ, क्योंकि मुझे पहले जानना होगा कि आपका हेयर का या फिर आपका स्किन का बैकग्राउंड क्या है, कि आपने क्या लास्ट 6 to 7 month आपने क्या क्या लगाया बालों में, लास्ट 6 to 7 month आपने क्या क्या लगाया स्किन में, वो जानने के बाद ही मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। क्योंकि डायरेक्ट अगर मैं कुछ बोलूँ, मैट्रिक्स, ओके मैट्रिक्स जेल बेस वो लगाने के बाद भी आपका प्रॉब्लम हुआ, आपने पहले कुछ मैट्रिक्स से पहले ऐसा कुछ आपने लगाया था, मैट्रिक्स का कौन सा लगाया था आपने हेयर कलर? ग्रे हेयर प्रॉब्लम है कि आपका? अच्छा प्रीति जी को मैं बता रहा हूँ, अगर मैं ये श्योर होकर नहीं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा सुनिए ध्यान से, अगर आपका ग्रे हेयर्स का प्रॉब्लम है, आपने मैट्रिक्स मैट्रिक्स बहुत बहुत ही अच्छा है, पता नहीं आपका क्यों हुआ, एक्चुअल तो नहीं होना चाहिए। अगर आपका ग्रे हेयर्स है और आपको कलर से कवर करना है, सो आप एक काम कर सकते हो, आप जो रूट होता है डायरेक्ट स्कैल्प में
आप लगा सकते हो। आपने जिस सलून में किया उनको थोड़ा सा पूछ लीजिए कि उसने जो आपको कलर यूज़ किया वो कौन सा डेवलपर यूज़ किया। आपका अगर एलर्जी स्किन होता है देन आपको माइल्ड डेवलपर यूज़ करें, अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलपर अगर यूज़ किया तो आपका इचिंग और ज़्यादा होगा। और अगर माइल्ड से भी आपका इचिंग होता है, देखिए डैंड्रफ होने से भी आपका लेकिन इचिंग होगा। आप कलर को सिर्फ नहीं बता सकते हो कि कलर करने से इचिंग होता है। अगर आपका क्या होता है स्कैल्प में, स्कैल्प अगर सेंसिटिव स्कैल्प होता है लाइक डैंड्रफ रहता है या फिर कुछ थोड़ा सा रैशेस टाइप का रहता है किसी किसी का स्कैल्प में, हम लोग जब सलोन में काम करते हैं तो देखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना आपका वो जो डेड सेल रहता है ना, डेड सेल उठ जाता है तब जाके लाइक उसमें थोड़ा सा इचिंग होता है, क्योंकि कलर में थोड़ा बहुत मिंट इफेक्ट रहता है, उससे थोड़ा सा ठंडा इफेक्ट आता है देन हो जाता है ना भी नहीं कर सकता। ओके है ना भी नहीं कर सकता, डैंड्रफ नहीं है आप मतलब नहीं जो बोला आपने ये डैंड्रफ नहीं है बोला ना। ओके फाइन ठीक है। अब तो जब भी अप्लाई करोगे ना तो आप थोड़ा सा स्कैल्प यहाँ पे थोड़ा लगा के देन ट्राई करो, उसके बाद आप लोग कर सकते हो, आप कर सकते हो। प्रीति जी को मैं बोल रहा हूँ। और अगर आप हैना नहीं लगा, हैना तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप हैना नहीं लगा सकते हो, हैना मत लगाइए क्योंकि हैना में बहुत ज़्यादा एमोनिया होता है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अगर जो कलर ज़्यादा दिन रहता है जैसे डाई बेस ग्रे हेयर, नहीं ग्रे हेयर नहीं है, सो आप ग्रे हेयर नहीं है तो आप फैशन के लिए अगर कलर करते हो तो आप भी बहुत सारा टेक्निक आ गया है बालों का, बालों में कलर करने के लिए, आप वो सब कीजिए। माइल्ड टू लाइट आ गया आपका बलायज है आपका, उसके बाद आपका बहुत सारा अभी है, अभी याद भी नहीं आ रहा, बहुत सारा मतलब टेक्निक है, उस टेक्निक से आप लोग कलर कर सकते हो लाइक डार्क टू लाइट। तो आप नेचुरल हेयर को रख के आप अगर आपको फैशन के लिए करना है नेचुरल हेयर, जैसे ये मेरा देख सकते हो ये मेरा नेचुरल हेयर है एंड ब्लेंडिंग करके मैंने बलायास टाइप का ये कलर किया है, ये बलायास टाइप का कलर है। सो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, अगर फैशन फैशन के लिए आपको कलर करना है, आपका ग्रे हेयर्स का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप रूट्स पे कलर मत लगाओ, रूट्स पे कलर ना लगा के आप लेंथ पे फैशन के लिए कलर कर सकते हो ईजी। হাই নিশা, ডার্ক সার্কেলের জন্য কি করলে ভালো হবে? ডার্ক সার্কেলের জন্য আমি বলবো কিছু জিনিস আমাদের চেঞ্জ করতে লাগবে, যেটা হচ্ছে আমাদের মোবাইল অ্যান্ড ল্যাপটপ এগুলোর রেডিয়েশনে অনেকটা আমাদের ডার্ক সার্কেলের মানে আমাদের চোখে অনেকটা প্রেশার হয়, ম্যাগনেটিক রেডিয়েশন থাকে, ওটাকে আমরা অল্প অ্যাভয়েড করবো। বাট এখন তো লকডাউনের টাইম আমরা সবাই মোবাইল অ্যান্ড ল্যাপটপ নিয়ে বসে আছি, তাও আমরা কী করবো ডাইরেক্ট ওটাকে আমরা দেখবো না, অল্প সাইড থেকে দেখবো, আদারওয়াইজ উপর থেকে বা নিচ থেকে দেখবো, পুরো স্ট্রেট বসে আমরা ওটা দেখবো না, তাতে অনেকটা এফেক্ট আসে। আর ডার্ক সার্কেলের জন্য বাড়িতে বলবো আমি তোমাকে আলু পেস্ট করে আলু লাগাতে পারো, বেসন লাগাতে পারো, এগুলো জিনিস লাগালে অনেকটা রিমুভ হয়। ভালো ঘুম টুম যদি না হয়, ঘুমের প্রবলেম হয় তাও কিন্তু অনেকটা হয়। সো ওই ডার্ক সার্কেলের সব সলিউশন নিজের মধ্যেই আছে, কীভাবে নিজেকে মেনটেন করতে লাগে সব ডার্ক সার্কেলের জন্য ওটা সব কিছু নিজের মধ্যে, ডার্ক সার্কেলের পার্টিকুলার এমন কিছু প্রোডাক্ট নেই যাতে হয়। আর ডার্ক সার্কেল আরেকটা জিনিসের জন্য হয়, যাদের ইয়ে থাকে ডাস্ট অ্যালার্জি হয় তার জন্যও কিন্তু ডার্ক সার্কেল হয়, ডাস্ট অ্যালার্জি থাকলে ডার্ক সার্কেলের প্রবলেম হতে পারে। ওকে মানে ওই চিজ প্রীতিজি আপনি বললো কি ড্যান্ড্রাফ হ্যাঁ प्रीति जी मैं वही बोल रहा हूँ, आपका इचिंग का जो प्रॉब्लम होता है जब कलर हम लोग कुछ भी ब्रांड का लगाते हैं ना तो कलर में थोड़ा मिंट इफेक्ट होता है, अगर आप फैन के नीचे या फिर एसी के नीचे बैठ के आप कलर लगाते हो तो इसको ना इचिंग जो होता है वो मिंट का जो एक रिफ्लेक्ट है ना स्कैल्प में जाके लगता है, तो ठंडा ठंडा एक फीलिंग भी होता है और थोड़ा थोड़ा इस सेंसेशन होता है लाइक इचिंग टाइप का, तो वो डैंड्रफ अगर स्किन में रहता है तो डैंड्रफ के वजह से भी होता है। तो आप पहले डैंड्रफ को क्लीन कीजिए, उसके बाद आप स्कैल्प से लेकर लेंथ तक कलर लगाइए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ पर आप डैंड्रफ पहले रिमूव कीजिए, डैंड्रफ रहने से आपका स्किन में भी प्रॉब्लम होगा। अगर आपका डैंड्रफ को रिमूव करना है देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप डैंड्रफ रिमूव कीजिए, डैंड्रफ नहीं करोगे रिमूव नहीं करोगे तो आपका जो ये किड जोन पे है या फिर बैक साइड शोल्डर्स में आपको छोटा छोटा रैशेस दिखाई देंगे, क्योंकि डैंड्रफ हम लोग जब सोते हैं रात को बेड में तो क्या होता है कि डैंड्रफ बेड में रह जाता है, तो वो जब हम लोग को बॉडी में टच होता है ना तब जाके हम लोग का वही रैशेस वाला वो चीज़ आ जाता है। तो आप पहले अपने बेड को पिलो कवर को हर रोज़ उसको चेंज करने का ट्राई कीजिए और डैंड्रफ अपना हेयर को क्लीन कीजिए, हेयर क्लीन रहने से आपका जो स्कैल्प क्लीन करोगे आपका स्किन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका कलर करने के बाद आपको इचिंग का भी प्रॉब्लम नहीं होगा।
और अगर फैशन में मैं आपको बोलता हूँ कि आपको फैशन करना है ग्रे या नहीं है, सो मैं ये आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप रूट पे कलर यूज़ मत कीजिए ना करके आप उसमें लेंथ पे फैशन कलर कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा लुक्स आता है, अच्छा भी दिखता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू लाइक भारत डॉक्टर सोमन भारतीय जी, स्पेशल थैंक टू डॉक्टर सोमन भारतीय आज जो मुझे यहाँ पे लाइव में आने के लिए मुझे बोला, उसके लिए मैं आज यहाँ पे लाइव में हूँ। एंड सबको मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो मेरे साथ अभी तक ज्वाइन करके बैठे हैं, इस टाइम पे भी मुझे टाइम दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। अमर डस्ट एलर्जি আছে, ওকে ফাইন, ডাস্ট এলার্জি আছে, ডাস্ট এলার্জির জন্য তুমি ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে পারো এমন, কিন্তু ওইটার এমন কিছু হয়, ওটাও কিন্তু নিজের মধ্যেই হয়। অলওয়েজ তুমি গরম জল খাও, গরম জল খেলে তোমার ডাস্ট এলার্জিটা অনেক সরে যাবে। সো তুমি আর বাকিটা তুমি ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে পারো, ওটা আমার ডিপার্টমেন্ট না মোনা। ডেন্ড্রফ কে লিয়ে ক্যা করো স্যার, ডেন্ড্রফ কে লিয়ে ক্যা করো, ডেন্ড্রফ কে লিয়ে আপ मैंने शायद से नहीं बोला, डैंड्रफ के लिए आप घर में यूज़ करते हो वो जो राइस पाउडर है उसके साथ थोड़ा सा लेमन जूस और विनीगर, ये तीनों मिक्स करके आप स्कैल्प में लगा सकते हो, लगा के 10 to 15 मिनट्स रख दो। स्कैल्प में बोल रहा हूँ, हेयर में नहीं, और होम रेमेडी बोल रहा हूँ। राइस पाउडर एंड आपका विनीगर एंड आपका लाइक थोड़ा सा लेमन जूस, ये तीनों लगा के स्कैल्प में लगा के उसको थोड़ा सा स्क्रबिंग करो, देन उसको रेन वॉश कर दो तो वो डेड सेल निकल जाएगा, मतलब डैंड्रफ चला जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आप ये सब करने के बाद अगर आपका कम भी नहीं होता है तो आप किसी भी सलून में जाके आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट ले सकते हो। डैंड्रफ ट्रीटमेंट सबसे बहुत ही अच्छा है और उसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है आपको। और जब भी आप डैंड्रफ का शैम्पू यूज़ करोगे या फिर मास्क यूज़ करोगे, आप ध्यान रखना आप घर में उसको कैसे मेंटेन करोगे, खुद का टावल, खुद का कोम, मतलब उस वो कोई भी ना यूज़ करें, ये सब ध्यान रखना, क्योंकि डैंड्रफ ट्रांसफरेबल होता है, एक एक जन के सर में रहने से दूसरे के सर में भी आता है। सो उसको आप हमेशा मेंटेन करना कि आपका वो अलग से वो सब किट आपका अलग हो ना। आप हमेशा क्या करोगे, जब पिलो के ऊपर दो कपड़ा रख लेना, प्रीति जी को मैं बोल रहा हूँ, दो कपड़ा रख लेना और डेली उन दो कपड़े को चेंज करते रहना, पहले एक दिन एक देना, दूसरा दिन दूसरे को देना। कॉटन का होने से बहुत अच्छा है, हल्का, उसको डेली वॉश करके आप लोग लगा सकते हो, तब जाके डैंड्रफ का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और अगर आपके आसपास में कोई भी सलून है, जाके आप वहाँ पे डैंड्रफ ट्रीटमेंट कीजिए, और प्रोफेशनल सलून से आप लोग को बहुत सारा प्रोडक्ट्स भी मिलता है आजकल, तो उन क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली बहुत कुछ करते हैं, बहुत अभी जैसे हम लोग यूट्यूब में देखने के बाद हम लोग प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ कि यूट्यूब के बारे में बोल रहा हूँ कि वो ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे कि अगर आप किसी सलोन में जाके अगर उनसे सजेशन लेके लाते हो तो अच्छा हो, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकल में यूज़ करें कि कौन सा चीज़ से कौन, मतलब किसका प्रॉब्लम क्या है, वो सलूशन आएगा। वो चीज़ के लिए आपका किसी भी प्रोफेशनल सलोन में जाइए, अभी बहुत सारे सलोन में भी बहुत सारा प्रोडक्ट्स मिलता है, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। वेलकम निशा। सो गाइज, अभी तो मैंने पहले भी बोला था कि थोड़ा बाद में मैं चला जाऊंगा, अभी कहाँ से मतलब इतना टाइम चला गया, पूरा 1 आवर हो चुका है। सो मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि बुलाती है मगर जाने का, एक्चुअली कॉल आ रहा था इसलिए। अच्छा, अभी मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम मैं बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, और मुझे भी थोड़ा सा काम है तो मुझे अभी निकलना होगा। सो प्लीज़ आप लोगों ने मुझे जैसे यहाँ पे ज्वाइन किया, नेक्स्ट में भी आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन करके रखा है, मुझे देखा है। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो स्किन का या फिर हेयर का, आप लोग मुझे इनबॉक्स कर सकते हो, और ये हो सके तो आप लोग ये वीडियो भी शेयर करना, किसी ने अगर नहीं भी देखा तो वो लोग देख भी सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम, अगर उन लोगों का ज़रूरतमंद कुछ मैंने बोला है कि कुछ होगा या फिर बोल दिया, तो वो चीज़ उनको काम में आ सकता है। हमेशा दूसरों का हेल्प कीजिए, तो उस हिसाब से मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू सो मच, थैंक्स टू सोमन भारतिया जी एंड पूरा टीम को मैं बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच, आज मैं यहाँ पे लाइव में आया, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, ऑब्वियसली आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो इस वजह से मैं यहाँ पे हूँ। सो लॉकडाउन में मैं हर किसी को मैं बोल रहा हूँ, इस लॉकडाउन में एंड अभी जो COVID-19 का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए मैं सबको बोल रहा हूँ स्टे सेफ, स्टे होम, आप लोग हमेशा अपने आप को मेंटेन करो, हाइजीन
रहो कि घर में बैठने से भी हम लोग उतना हाइजीन कैसे रह सकते हैं। हमेशा अपना हैंड सैनिटाइजिंग करो, मास्क लगाया कीजिए बाहर ना निकले, और ज़रूरत काम के लिए अगर आप लोग बाहर जाते भी हो तो हमेशा अपना मास्क यूज़ कीजिए, हो सके तो हैंड ग्लव्स यूज़ कीजिए, कुछ किसी सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वो सब चीज़ अभी इस सिचुएशन में, कोविड-19 इस सिचुएशन में हम सबको ये चीज़ मेंटेन करना होगा। सो मैं प्लीज़ आपको सबको बोल रहा हूँ, स्टे सेफ, स्टे होम। आप लोग हमेशा अपने आप को मेंटेन करो, अगर आप बाहर भी निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज करके घर में उसके बाद आ जाइए। घर में आने से पहले आप अपने आप को सैनिटाइज करने के बाद आप घर पे, बिकॉज आप बाहर जा रहे हो, बाहर क्या किससे मिल रहे हो, क्या कौन किस टाइप के लोग रहेंगे, क्योंकि आप तो अकेले जा रहे हो। घर पे तो आपका मम्मी पापा भाई बहन हर कोई घर में है, आपके साथ साथ आप अपने पूरा फैमिली का ध्यान रखिए। आप अगर बाहर से कुछ भी लेके आ रहे हो सो उन लोगों का भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। सो प्लीज़ अभी इस टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, अगर जिनको ज़रूरत है आप वो लोग निकलिए, और अगर जिनको ज़रूरत नहीं है अभी घर से मत निकलिए। और जैसे कि अभी मैं जिस टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे आया, हेयर एंड ब्यूटी, अभी जितना सारा मैंने चीज़ बोला बाहर से लाने का सामान, एक भी चीज़ मैंने नहीं बोला, आप लोगों को घर में मिलेगा। घर में आप बैठ के अपने आप को मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मुझे इतना टाइम तक आप लोगों ने ज्वाइन किया, सो थैंक यू। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू सो मच, बाय, थैंक यू। Malik from Illumis Clinic Guwahati. I have started this Illumis Clinic around 5 years back now, and we have successfully treated many patients for now. This is the first aesthetic clinic in Northeast, and we started with all the USFD approved devices as well as USFD approved treatments, and we are now proud owner of one of the world's best technologies like Cool Sculpting and Axel Easily. Apart from all these, which deals with body contouring, that is permanent fat reduction on spot, we also have some very good lasers for our skin treatments like permanent hair reduction, for pigmentation, and also for scar reduction. Based on patient's need, and we try to give them the best possible treatment. For people who are needle phobics, we have treatments which do not involve any injections. So you're most welcome to Illumis Clinic, that is based in Guwahati, ABC bus stop in the center of Guwahati. Thankfully, we have best technologies, so you will be very safe in our hands. Most welcome to Illumis Clinic. Thank you.